नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रातिबर थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात की लाश की पहचान अब तक नहीं हो पाई। पुलिस उसकी शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि कुछ अहम सुराग मिले हैं। रातिबर इलाके में मिली लाश की पहचान अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। इधर पुलिस का कहना है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वही युवक की गला रेत कर हत्या करने की पुष्टि हो गई है। गौरतलब है कि रातिबर में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। मृतक की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में पुलिस ने पोस्टर चस्पा किए थे और मुनादी कार्रवाई थी। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। रातिबर थाना क्षेत्र में विस्परिंग फार्म्स के सामने जो जंगल पड़ता है, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पे पुलिस लगातार उसमें उसकी शनाख्त की प्रयास कर रही है। काफ़ी इसमें लोगों को हम लोगों ने वेरीफाई किया और जितने भी गुम इंसान हैं भोपाल क्षेत्र के, भोपाल के आसपास के जितने ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के सभी गुम इंसानों को हम लोगों ने तस्दीक करी, बट अभी तक उसकी कुछ भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है, जिसमें हमारी टीम लगातार है। अभी हमारे पास कुछ क्लू है जिसमें हमें लग रहा है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी और जल्दी हम उसकी शनाख्त कर लेंगे। तो पीएम रिपोर्ट में कुछ निकल कर आया क्या? पीएम रिपोर्ट में बस वही आया है कि उसका गला रेत कर उसकी हत्या करी गई है और स्टैबिंग है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।